हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम माइक वाइक लगाते हैं और उसमें जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ आता था, चूज द डिवाइस यू हैव कनेक्टेड। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जैसे मैं अपना हेडफोन ईयरफोन इसमें लगाता हूँ, तो ईयरफोन लगा मेरे यहाँ पे ये डायलॉग बना हुआ आ रहा है, द करंट कनेक्टेड डिवाइसेस। तो हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो आपने अगर कभी यहाँ पर मार दिया होगा रिमेंबर माई सिलेक्शन एंड नॉट शो दिस डायलॉग नेक्स्ट टाइम, तो इसके बाद से ये नहीं आएगा। और मान लो आपने कोई और सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, जैसे ये मेरा हेडसेट है, अगर मैं इस पे किसी किसी और पे मार देता हूँ हेडफोन, जैसे मुझे सिर्फ सुनने के लिए यूज़ करना है, अगर मैं हेडफोन पे मार देता हूँ तो फिर मुझे सुनाई तो देगा ये, लेकिन ये मेरी माइक की तरह ये काम नहीं करेगा। जबकि इसमें दोनों जो मैंने इसमें लगाया है, इसमें दोनों सिस्टम है, मतलब मैं इसको ईयरफोन की भी तरह यूज़ कर सकता हूँ, माइक की भी तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे मार के दिखा देता हूँ, तो अगर आपने कभी गलती से इस पर मार दिया होगा या नहीं भी मारते हो ना आप, कुछ दिनों के बाद ही अपना आप ही शायद से ले लेता है इसको, जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं इस पर मार देता हूँ, अब मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं जैसे को हटाऊंगा, तो अब मैं अपने ईयरफोन को जैसे मैंने निकाल दिया, मैंने वापस से लगा, लेकिन अब कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, चूज़ द डिवाइस विच यू हैव कनेक्टेड, तो अब मेरे पास नहीं आ रहा है। तो गाइस, अब मैं आपको इसमें यही दिखाने वाला हूँ कि हम उस ऑप्शन को कैसे लेकर आए, और ये वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये वीडियो जो भी आपकी हेल्प करेगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस चैनल को लास्ट तक देखना, मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हाँ, आपको कैसे खोलना है। तो सबसे पहले मतलब आपको वो ऑप्शन वापस कैसे लाना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको खोल लेना है माई पीसी। इस पे जाना, इस गूगल पे आप सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। तो गाइस, बस आप इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये खोल लेना है। अब इसमें आपको प्रोग्राम फाइल्स खोलना है। प्रोग्राम फाइल्स को खोलने के बाद रियल टेक ऑडियो HDA, तो गाइस आपका ये खुल जाएगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको पहुँचना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके में ये इस नाम से होगा RAVPPI64.exe, तो आपको इसी पे मारना है, ठीक है। तो अब मैंने इस पे मारा, अब फिर यहाँ पर एनालॉग का ऑप्शन आ रहा है, एनालॉग पे मार दो, डबल क्लिक करना है। देखिए गाइस, सिंगल से नहीं होगा, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, फिर ये ऑप्शन आपको शो करेगा, द करेंट कनेक्टेड डिवाइसेस विद डिवाइस रेडियो प्लग इन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिमेंबर माई सिलेक्शन मार रखा है, इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ये डायलॉग बॉक्स वापस से चाहिए था। तो हमने यहाँ पर इसको इस सॉफ्टवेयर को खोला, फिर एनालॉग पे मारिएगा, फिर यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब जैसे आपने आपने अगर कोई और सा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा होगा, तो जो भी आपने कनेक्ट किया है सही डिवाइस जो भी है रियल में, वो तो हेडसेट पे मार देना। मेरा पहले हेडफोन पे लगा हुआ था, इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, मेरे इससे माइक की तरह काम नहीं कर रहा था ये, बस मुझे सुनाई तो दे रहा था, लेकिन हेडसेट पे मारने के बाद ये काम करने लगा, तो मेरे भी पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मुझे मतलब ये ऑप्शन चाहिए। लेकिन अगर आप कभी मार भी देते हो यहाँ पर टिक, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर मारता हूँ, जैसे अब ईयरफोन लगाऊंगा तो मेरे पास आ गया ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो मैंने इसको हेडसेट पे क्लिक कर रखा है, तो ओके कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे पता है ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा, आप भी बहुत टाइम से परेशान होंगे। अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।